लाल मिर्च का भरवा अचार बनाने के लिए यहाँ मैंने ली है आधा किलो लाल मिर्च, ये मोटी वाली लाल मिर्च है, और इसको मैंने साफ धोकर एक एक मिर्च को टॉवल से साफ कर लिया है ताकि इसमें पानी बिल्कुल ना रहे। और मसालों में यहाँ मैंने लिया है 4 टीस्पून सौंफ, 3 टीस्पून राई, ये मोटी वाली राई है, 2 टीस्पून पीली सरसों, 2 टीस्पून साबुत धनिया, 2 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून मेथी दाना, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 3 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून सादा नमक, 1 टीस्पून काला नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं, 2 पिंच हींग, 1 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून कलौंजी, और मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने 250 ml। अगर आपके पास ये मेजरिंग कप नहीं है तो आप कोई भी 1 कप मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं अचार बनाने के लिए। और 2 टीस्पून यहाँ मैंने लिया है व्हाइट विनेगर का। और अगर आप 1 किलो मिर्च का अचार डाल रहे हैं तो आप इन मसालों की क्वांटिटी डबल करके अचार बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम मिर्च की ये डंडियां निकाल कर अलग कर लेंगे और यहाँ हम इसको बीज से ऐसे काटेंगे, ऐसे, और इसके बीज नहीं निकालेंगे क्योंकि अचार में थोड़ा सा स्पाइस अच्छा लगता है। तो यहाँ हम इसी तरह सारी मिर्ची काट कर बीच में इसमें कट लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने सभी मिर्च में चीरा लगा कर रख लिया है। अब हम मसालों को हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे और सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और इस पर पैन गर्म होने के लिए रख देंगे। और जब पैन हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हम यहाँ पर गैस की फ्लेम लो कर देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो यहाँ हम सबसे पहले डालेंगे साबुत धनिया, हल्का सा मिक्स कर लेंगे, पीली सरसों, मेथी दाना, राई, अजवाइन, और इनको हल्का सा मिक्स करेंगे। और इनको हल्का सा मिक्स करते हुए थोड़ा सा इनको हम भून लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे जीरा और लो फ्लेम पर हम इनको 1 से 1.5 मिनट के लिए हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि जो इनमें नमी है वो पूरी तरह से निकल जाए। और हल्का सा भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे सौंफ और इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे और लगातार चलाते हुए हम इन मसालों को भूनेंगे। और जब इनमें हल्की सी स्मेल आने लगे तब हम यहाँ पर गैस ऑफ कर देंगे। तो देखिए यहाँ मसाले हल्के से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे कलौंजी और इसको हल्का सा मिक्स कर देंगे और यहाँ हम गैस ऑफ कर देंगे। और इन मसालों को मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी और इनको अच्छे से फैला देंगे प्लेट में। तो देखिए यहाँ मसाले ठंडे हो चुके हैं। अब हम इनको ग्राइंडर में डालकर बारीक पीस लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने मसालों को बारीक पीस लिया है। अब हम इन मसालों को एक बाउल में निकाल लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, सादा नमक, काला नमक, अमचूर पाउडर और इन्हीं सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर गैस ऑन करेंगे और इस पर हम पैन रखेंगे और इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल और इसको हम तब तक गर्म करेंगे जब तक कि इसका स्मोक पूरी तरह से निकल ना जाए। तो यहाँ हम इसको पकने देते हैं। तो देखिए यहाँ तेल से स्मोक निकलने लगा है, तेल पूरी तरह से पक चुका है। अब हम यहाँ पर गैस ऑफ कर देंगे और तेल को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ तेल हल्का सा ठंडा हो चुका है। अब हम इस तेल में डालेंगे हींग और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि हींग का फ्लेवर तेल में अच्छे से आ जाए। और अब हम ये तेल मसालों में डालेंगे। पहले हम थोड़ा सा डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर हमें और ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा सा तेल इसमें और ऐड करेंगे। तो पहले हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अभी मसाले में बाइंडिंग नहीं आई है तो अभी हम थोड़ा तेल इसमें और डालेंगे और यहाँ हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें इतना तेल डालना है ताकि मसाला अच्छे से बाइंड हो जाए और ये मसाला मिर्च में आसानी से भरा जा सके। और मिक्स करने के बाद अब हम इसको मिर्च में भरेंगे। तो यहाँ मैं थोड़ा सा मसाला इसमें ऐसे भरूंगी। मसाला हाथ से आसानी से भरा जाता है तो यहाँ मैं हाथ से मसाला भरूंगी और हल्का हल्का हम मसाला इसमें भरेंगे क्योंकि धूप में रखने के बाद मसाला थोड़ा सा फूल जाता है। तो आप इसमें ज्यादा मसाला ना भरें, हल्का हल्का मसाला भरें और एक एक मिर्च को आप ऐसे भरकर अलग रखते जाएं। यहाँ दूसरी मिर्च में भरेंगे
ऐसे, और ऐसे ही हम सारी मिर्च में एक एक करके मसाला भरते जाएंगे। तो यहाँ मैंने सभी मिर्चों में मसाला भर लिया है, तो यहाँ हम पहले इन सभी मिर्चों को इस डब्बे में एक एक करके सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद जो हमने हींग वाला तेल बचा कर रखा था उसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून सिरका, और इस तेल को हम अच्छे से सिरके में मिक्स कर देंगे। सिरका डालने से अचार खराब नहीं होता और आप इसको 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। और मिक्स करने के बाद अब हम इस तेल को मिर्च के ऊपर ऐसे डाल देंगे और यहाँ हम डब्बा बंद करेंगे और इसको हम हल्के हाथों से हिला देंगे ताकि तेल सभी मिर्च पे अच्छे से लग जाए। भरवा मिर्च का अचार बनकर तैयार है। आप इसको 1 हफ्ते तक धूप में रखें और उसके बाद ही खाने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।